हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल ट्रैवल फ्रीक जीजे। दोस्तों, आज मैं हूँ, मेरे चारों तरफ देखिए पूरी हरियाली ही हरियाली है, और मैं इस वक्त हूँ दांडेली में। आपको बता दूँ, आज है 10 मई 2023। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको आज दांडेली में जो वन ऑफ़ द बेस्ट रिजॉर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो रिज़ॉर्ट कैसा है, वहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटीज़ है, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो क्या क्या हैं, और उसके चार्जेज़ क्या हैं, और वहाँ का स्टे का जो चार्जेज़ है वो क्या है, उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करें? नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं। आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो फुल कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज दांडेली में। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, और चलिए सैर कराता हूँ आपको दांडेली की। दोस्तों, अगर आप दांडेली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दांडेली को कैसे पहुँचा जा सकता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, यानी कर्नाटका के बाहर से आ रहे हैं, तो देन यू कैन कम टू नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, दैट इज़ हुबली रेलवे स्टेशन एंड हुबली एयरपोर्ट। सो अगर आपको हुबली आना है तो आप बैंगलोर आके बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आप हुबली आ सकते हैं, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी मैं कहूँगा लोंडा रेलवे स्टेशन है। तो लोंडा रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए आपको हुबली आना पड़ेगा, तो हुबली से आप लोंडा आ सकते हैं, फिर लोंडा से आप कैब या टैक्सी या बस से आप दांडेली पहुँच सकते हैं। अगर आप बेलगाम साइड से आ रहे हैं तो बेलगाम साइड से आप बस से भी आ सकते हैं, और बाय रोड आप अपना पर्सनल व्हीकल या कैब हायर करके भी आ सकते हैं। सो बेस्ट सीजन टू विजिट दांडेली इज़ बिटवीन अक्टूबर टू डिसम्बर, सो आफ्टर रेनी सीज़न। इवन यू कैन विजिट इन रेनी सीज़न ऑल्सो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा रेनी सीज़न आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। सो आप आ रहे हैं तो आप अक्टूबर के बाद आएँ, काफ़ी प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा बारिश भी नहीं रहती है, और आप इन्जॉय कर सकते हैं आपके फैमिली के साथ। दांडेली एक्चुअली अपने रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है, और अपने जो वाइल्ड लाइफ, जो इकोसिस्टम है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, अराउंड 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे बर्ड्स के, और यहाँ की एक जो नदी है दैट इज़ काली रिवर, दैट इज़ ऑल्सो फेमस। सो बहुत सारी चीज़ें हैं दांडेली में एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ का जो वाटर स्पोर्ट है, स्पेशली रिवर राफ्टिंग, काली रिवर जो राफ्टिंग की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो फेमस। सो चलिए, काफ़ी चीज़ें हैं दिखाने के लिए आप लोगों को, सो मैं एक एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो पहले तो हम लोग अभी रिजॉर्ट जाएंगे और वहाँ पे जाके चेक इन करेंगे, और चेक इन करके देखते हैं कि रिजॉर्ट वालों ने कैसे क्या प्लान किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल एग्जीक्यूट ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स गो टू द रिजॉर्ट एंड लेट्स सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे हैं ग्लास के बाहर, वो रहा स्टेट एडवेंचर्स का ऑफिस। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि आप जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं रिजॉर्ट का, तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो वो कंफर्मेशन मैसेज आपको यहाँ पे आके दिखाना है स्टेट एडवेंचर्स ऑफिस में, जो कि बस स्टैंड के अपोजिट है, दांडेली बस स्टैंड के अपोजिट। और यहाँ पर आपको ऐसा एक पैम्पलेट दिया जाएगा जिस पर स्टेट एडवेंचर करके लिखा हुआ है नीचे, और आपके जो बुकिंग है, बुकिंग कन्फर्मेशन के बाद आपको ऐसे, ये देखिए, ऐसे एक स्लिप दिया जाएगा जहाँ पे आपके पूरे पैकेज के डिटेल्स लिखे जाएंगे कि कितना क्या है पैकेज का, कॉस्ट वगैरह क्या है, आपने कितना एडवांस भरा है और कितना आपको बैलेंस भरना है।
सो बाकी जो बैलेंस पेमेंट है, अभी सपोज़ अभी समझ लो आपने एक 5,000 का पैकेज बुक किया है, सो 5,000 के पैकेज में अगर आपने 2,000 रुपये एडवांस दिए तो बाकी का 3,000 आपको जो बैलेंस अमाउंट है यहीं पे भरना है, और यहाँ जो बैलेंस अमाउंट है भर के आपको इस तरीके से स्लिप लेना है, जिसमें आपको अलग अलग स्लिप्स दिए जाएंगे, जहाँ पे एक एक्टिविटी का स्लिप होगा और फिर आपको उसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं रूम के बारे में डिटेल्स होंगे, और आपको एक अलग से एक स्लिप दिया जाएगा, लोकेशन स्लिप, जहाँ पे आपको रिजॉर्ट का लोकेशन वगैरह दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल लास्ट 1 ईयर से जो जकूजी बात और जो अपना राफ्टिंग है, जो काली रिवर राफ्टिंग है, वो गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। सो वहाँ पे जो पहले जो प्राइवेट जो रिजॉर्ट्स थे उनके अंडर में था, सो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। सो आपको अगर एक्टिविटी करनी है, अगर राफ्टिंग वगैरह करना है या जकूजी बात वगैरह लेना है काली रिवर में, तो आपको वहाँ पे जाके जो अमाउंट है पे करना पड़ेगा, तो वो एडिशनल है, वो इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैम्पलेट पे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको पढ़ के बोल देता हूँ। जो पैकेज में इंक्लूडेड है वो है कायाकिंग, बोटिंग, जॉर्बिंग और आपका स्विमिंग, आर्चरी, रेन डांस, ये एक्चुअली इन हाउस इवेंट्स है, इन हाउस एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिजॉर्ट में रहेंगी, स्विमिंग, आर्चरी, रेन डांस, कैंप फायर, ट्रैकिंग। और अगर आप बाहर के एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूं, तो कायाकिंग, बोटिंग, जॉर्बिंग और सुपर डैम का जो व्यू पॉइंट है वो, फिर सुपर डैम का बैक वाटर, मौलंगी इको पार्क, फिर डिज्नी पार्क, ठीक है। सो इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं इसमें, और अदर देन दिस यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग एंड आपका जकूजी पास। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ले लिया है अभी, तो लोकेशन उन्होंने डाल के दे दिया मोबाइल में स्टेट एडवेंचर्स वालों ने, तो चलते हैं रिजॉर्ट और देखते हैं कैसा दिन जाता है अपना। चलें, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग, अपनी जो गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग लगा के हम लोग अभी बैक साइड एंट्री गेट है वहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं रिजॉर्ट कैसा है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये रहा रिजॉर्ट का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से, और आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर एज दांडेली। अभी हम लोग रिजॉर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टेंट्स हैं, अगर आप टेंट्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेंट्स के अलग पैकेज हैं, तो वो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साइड पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हैं टेंट्स स्टे, और इस तरफ जो इंडोर एक्टिविटीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आर्चरी एरिया, और यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं शायद ये रेस्टोरेंट एरिया है ऊपर, और नीचे यहाँ पे रूम्स है, और इस तरफ ये है आपका रिसेप्शन रिजॉर्ट का। जब आप आओगे तो यहाँ पे आप जो भी है एंट्री डिटेल्स वगैरह दे के यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और अभी मैं आया हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी कुछ टेंट्स है, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है रिजॉर्ट का, आप देख रहे हैं इस तरफ ये है आपकी काली नदी, दांडेली की काली नदी, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से रिजॉर्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सामने जो रूम्स हैं ये सारे डिलेक्स रूम्स हैं, और ये है रात को यहाँ पे कैंप फायर वगैरह जलाया जाता है, तो यहाँ पे आप बैठ के रात में मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिलक्स रूम्स, मैं अभी अंदर, मैं एक्चुअली अभी अंदर भी आपको चल के दिखाऊंगा कि डिलक्स रूम्स कैसे हैं और कमांडो टेंट्स वगैरह कैसे हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। और इस साइड देखिए यहाँ पर भी, इस साइड यहाँ पर भी कैंप फायर है, और वो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वहाँ पे काली नदी। एक्चुअली शाम को ना यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आता है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और वहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में ये है स्विमिंग पूल, तो चलिए उस साइड जाते हैं अभी ऊपर की तरफ, और मैं दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है। ये है फ्रेंड्स कमांडो टेंट्स, इसके पैकेज कॉस्ट अलग हैं, तो अगर आप चाहें तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी कमांडो टेंट्स कैसे हैं। और इस साइड ये रहा स्विमिंग पूल, तो ये रिजॉर्ट की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, स्विमिंग पूल।
और इस साइड बैक साइड में यहाँ पे आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हैं स्टैंडर्ड एसी रूम्स। इसका पैकेज कॉस्ट अलग है, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड एसी रूम। और उस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे बाहर जो है बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं। अगर आप बाहर बैठ के अगर खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो ये रहा वो एरिया, और इस तरफ ये बैक साइड में ये आपका स्टैंडर्ड रूम्स, और उस तरफ ये कमांडो कॉटेज, और वहाँ पे डिलक्स रूम, और ये स्विमिंग पूल। फ्रेंड्स, ये है अपना रिजॉर्ट का रूम। तो आप देखिए, ये रहा डबल बेड, और वहाँ पे एक सिंगल बेड इफ़ इन केस अगर आप तीन लोग आ रहे हैं तो, या आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो। और एसी है, फिर एसी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा डिसेंट दिख रहा है, कर्टन्स वगैरह। और ये आपका एंट्रेंस, यहाँ पे एसी के साथ फ़ैन भी है, और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं मिरर। तो ये यहाँ पे कबर्ड है, और अगर वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम भी क्लीन है, ठीक ठाक ही है। सो ओवरऑल नाइस रूम। फ्रेंड्स, अभी हम लोग अंदर चल के देख लेते हैं कि जिस कमांडो टेंट के बारे में मैं बात कर रहा था, तो कि वो कैसा दिखता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कमांडो टेंट। तो ये है कमांडो टेंट। तो यहाँ पे तीन लोगों के लिए बेड है, और इस तरफ भी तीन लोगों के लिए बेड है। तो ये साइड से आपका कमांडो टेंट हो गया, और यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये वे टू वॉशरूम लिखा है। तो इस तरफ बैक साइड में जो है कॉमन वॉशरूम बना हुआ है कमांडो टेंट्स वालों के लिए। सो दिस इज़ द एरिया, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है कमांडो टेंट्स वालों के लिए। बाकी चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ के जो डिलक्स जो रूम्स हैं वो कैसे दिखते हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर डिलक्स रूम्स ऑल्सो। तो भाई ये हैं डिलक्स रूम्स। एक्चुअली एक ओपन है, यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कैसा दिखता है। सो ये देखिए, ये है डिलक्स रूम। यहाँ पे एक सोफ़ा दिया है, ये कर्टन्स वगैरह हैं, और यहाँ पे डबल बेड्स हैं चार लोगों के ऑक्यूपेंसी के लिए। टीवी भी दिया है, और ये मिरर ऑलमोस्ट थोड़ा स्टैंडर्ड रूम के जैसा ही है। Thank you.
भाई व्यू देख लो पीछे यहाँ पे। सो ये है काली रिवर और ये स्विमिंग पूल रिजॉर्ट का, और क्या फीलिंग है यार, मस्त एकदम वाओ। तो जीवा अभी पानी में उतर गई। अच्छा लग रहा है जीवा? हाँ बोलो ना। क्या? अच्छा लग रहा है? मम्मी का हाथ छोड़ो अभी। जाती नहीं मैं, पकड़ी हूँ। अरे वाह, सो के एंजॉय जीवा, सो के एंजॉय। तो फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल में जो थी बहुत फुल टू मस्ती हुई, और आप देख चुके हैं कि हम लोग कितनी मस्ती की है स्विमिंग पूल में। तो अभी लगभग बज चुके हैं 2 और खाने का जो टाइम है वो हो चुका है। सो खाना अभी थोड़ी देर में लगने वाला है यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट में, तो हम लोग वहाँ जाके खाने का जो मज़ा है वो लेंगे। तो ये है रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये सभी स्टैंडर्ड रूम्स हैं। तो फ्रेंड्स, लंच जो है वो सर्व हो चुका है और हम लोग अभी लंच ले रहे हैं, यानी बफे सिस्टम है तो लंच हम ले रहे हैं। तो देखते हैं लंच में क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ लंच में क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए, तो ये चपाती है और ये कुछ छोले की सब्जी लग रही है मुझे। तो और यहाँ पे ये बीन्स की सब्जी है, शायद नारियल डाला इसमें मिक्स। और यहाँ पे उसके बगल में मेरे ख्याल से जीरा राइस है, और ये प्लेन राइस, और ये उसके बगल में दाल, और ये कुछ स्वीट है आई थिंक, स्वीट, और वो वहाँ पे चिप्स, और वो नॉन वेज है चिकन उस साइड में, हाँ चिकन और चिप्स। तो भाई थाली सब चुकी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वीट और ये चने की सब्ज़ी, थोड़ा चिकन, और यहाँ पे मिक्स वेज यानी थोड़ा बीन्स मिक्स वेज, और ये चपाती और थोड़ा चिप्स। तो मैं खा के जल्दी से बताता हूँ कि आपको टेस्ट कैसा है। और वैसे वाइफ ने चालू कर दिया है खाना, तो मैं पूछ के बोल देता हूँ कैसा है टेस्ट। मस्त है जीवा, थम्स अप। जीवा की तरफ से थम्स अप है, इसका मतलब क्या है कि खाना अच्छा है। चलिए जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और फिर आगे का प्लान करते हैं क्या है। फ्रेंड्स, खाना जो था रिजॉर्ट का वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और जो स्पेशली जो नॉनवेज था दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो रहता है ना मन में डाउट कि बाबा खाना ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा पैसा दिया है तो उसके हिसाब से सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो वो जो डाउट था दिमाग में दैट इज़ क्लियर नाउ, क्योंकि खाना बहुत ही बढ़िया था और बहुत ज़्यादा पसंद किया फैमिली ने भी और मैंने भी पर्सनली, और थैंक यू भी कहा रिजॉर्ट वालों को। सो बहुत अच्छा लगा। तो अभी अपना जो नेक्स्ट प्लान है वो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं डिज्नी पार्क, और यहाँ पे मौलांगी इको पार्क है। सो डिज्नी पार्क और मौलांगी इको पार्क है, तो जस्ट जाके आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। एक्चुअली मौलांगी इको पार्क मैंने देखा हुआ है इससे पहले दालिनी में, काफ़ी लोगों ने देखा भी हुआ है, क्योंकि वो जस्ट रिवर के बगल में, इट इज़ जस्ट कहते हैं ना वो इको पार्क टाइप। सो वो है मौलांगी इको पार्क। और बात करूँ अगर क्रोकोडाइल पार्क की, तो मेरे ख्याल से रहेंगे थोड़े बहुत क्रोकोडाइल्स, तो वो भी चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं क्रोकोडाइल पार्क, जो कि हमारे रिजॉर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ऑलमोस्ट जो दांडेली का जो सिटी सेंटर है वहाँ पे है। और अभी हम लोग जो अपना जो रिजॉर्ट है वो एरिया का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ करियमपाली
तो करियमपाली में अपना जो रिजॉर्ट है वो है। तो चलिए चलते हैं क्रोकोडाइल पार्क और एक्सप्लोर करते हैं क्रोकोडाइल पार्क में, देखते हैं कितने क्रोकोडाइल हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्रोकोडाइल पार्क में, तो अंदर थोड़ा चल के जाना है। सो चल के देखते हैं अंदर कि क्रोकोडाइल पार्क में क्रोकोडाइल है या नहीं। चलिए अंदर ये रहा रास्ता, पीछे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल पार्क के अंदर जाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। साइलेंस मेंटेन करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, खाना नहीं डालना है क्रोकोडाइल को, और कुछ फेंकना नहीं है नदी में, और ना ही थूकना है। तो ये रहा रास्ता अंदर जा रहा है, तो यहाँ से अभी आपका क्रोकोडाइल पार्क शुरू हो जाएगा। क्रोकोडाइल पार्क का जो बे है वो इतना ही है, यहीं से आपको यानी वहाँ पे एक स्पॉटिंग एरिया है, यहाँ पे एक है, और दैट साइड वहाँ एक। तो इन तीन जगहों पे खड़े होके आप लोगों को यहाँ पे मेरे सामने जो आप पानी देख रहे हैं, दिस इज़ काली रिवर। सो ये काली रिवर का पानी है, इसमें थोड़ा वो पेपर मिल का जो गंदा है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पे गंदा मिक्स हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स हैं उन लोगों को गंदगी ज़्यादा पसंद है। सो वो यहाँ पे उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं ना, वो पकड़ बना रही है। सो आप देख रहे हैं सामने वहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल मेरे फिंगर के सामने। सो देयर इट इज़, यस, आराम से गंदगी में लेटा हुआ वो है क्रोकोडाइल। एकदम ऐसा लग रहा है कोई डेड बॉडी है, लेकिन सो रहा है, शायद आराम फरमा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 क्रोकोडाइल स्पॉट कर लिए हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक ये रहा, और वहाँ पे उस झाड़ के नीचे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आप देख लो, तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो झाड़ जो झुका हुआ है उसके बिल्कुल बगल में आप नीचे देख सकते हैं कि 2 क्रोकोडाइल, एक ने मुँह खोला हुआ है और एक ऐसे ही लेटा हुआ है। और उस तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ इस तरफ, तो यहाँ पे भी आप एकदम सामने देखिए, एकदम सामने में जहाँ पे मैंने ब्राइटनेस किया, तो वहाँ पे एक लेटा हुआ है, और उसके बगल में उस साइड कॉर्नर पे एक लेटा हुआ है, दोनों ने मुंह खोला हुआ है। सो यहाँ पे जो है क्रोकोडाइल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है दांडेली में, और कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल अटैक हुआ था करके दांडेली में। तो फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल पार्क देखने के बाद मौलांगी इको पार्क और जो अपना डिस्नी पार्क था वो हम लोगों ने स्किप कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे देखने जैसा ऐसा कुछ आपको दिखाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट नॉर्मल जो सिंपल जो पार्क रहता है सो वो है। सो हम लोगों ने वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया है, एंड वी आर गोइंग बैक टू अपना जो रिजॉर्ट है वहाँ पे। सो बारिश भी होने वाली है, तो रिजॉर्ट चल के बारिश एंजॉय करते हैं। दांडेली आए और बारिश नहीं देखी तो क्या देखा, और अभी देखिए बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है और हम लोग एकदम बारिश में, और अगल बगल में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़, और उसके बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं अभी रिजॉर्ट की तरफ। हल्की इस तरफ से सनलाइट भी गिर रही है और इस तरफ से बारिश भी हो रही है, तो नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है। टाइम लगभग 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है 4 से 6 बजे के बीच में। तो जितना भी वाटर एक्टिविटीज़ का जो भी प्लान था सभी कैंसिल हो चुका है बारिश की वजह से। पीछे आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, बादल अभी भी गड़गड़ा रहे हैं और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। सनसेट बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से, उस साइड बारिश नहीं है, मेरे इस साइड रिजॉर्ट के इस साइड बैक साइड पे ऊपर बादल अभी भी हैं, बारिश हो रही है। तो दांडेली और बारिश का जो कॉम्बिनेशन है वो अद्भुत है, और बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट हो चुका है अभी। वाटर एक्टिविटीज़ चले गए, निकल गए, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये अगर देखने मिल जाए वो भी बारिश के बीच में, तो और भी खूबसूरत लगने लगता है स्टे। Thank you.
तो फ्रेंड्स टाइम लगभग 8:30 मतलब ऑलमोस्ट 8:45 हो चुके हैं अभी, और अभी थोड़ी देर पहले आके हम लोगों को बोला गया है कि डिनर रेडी है, तो चलिए डिनर करते हैं। तो आइए दिखाता हूँ मैं डिनर में क्या क्या है। तो यहाँ पे अभी चपाती रखी हुई है, और ये कौन सी भाजी है? बटाटा और वांगी। ठीक है, मूंग जीरा राइस है, और यहाँ पे प्लेन राइस दिए, और ये दाल है, और यहाँ पे सेवैया खीर, और ये चिकन भी है, यहाँ पे नॉन वेज भी है, सो चिकन भी दिया है। फ्रेंड्स रात के लगभग बज चुके हैं 9:30, और हम लोग अभी डिनर कंप्लीट करके यहाँ पे रिवर साइड जो बेंचेस लगाए हैं वहाँ पे आके हम लोग जो ठंडी ठंडी हवा का जो है वो लुफ्त उठा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज बारिश की वजह से जो भी हमारे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी थे वो कैंसिल हो गए, डे 1 कैंसिल हो गए। तो हम लोगों को रिजॉर्ट की तरफ से फ़ोन आया है कि जो एक्टिविटीज़ है जो आज पेंडिंग रह गए थे वो हम लोग कल ऑन द वे जाते समय हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं।